सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। लातेहार जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की घोर उदासीनता का दंश जिले की बरवाड़ी पंचायत अंतर्गत छिपादोहर रबदी पुजारी टोला के निवासी आजादी की दस को बाद भी झेल रहे हैं। टोले की महिलाएं, पुरुष व बच्चे सभी कुआं के गंदले पानी पी रहे हैं। चापानल गाड़ा नहीं जा सका है, जबकि ग्रामीण टोले में जल मीनार का सपना संजोए है। अलबत्ता केंद्र सरकार हर घर जल योजना पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसी महज एक दुर्भाग्य कहा जाएगा कि रबदी गांव के इस टोला में महिलाएं 1 किलोमीटर दूरी तय कर पानी की ढुलाई करती हैं। विद्यालय चापरहल का ग्रामीण महिलाएं ज्यादा कदाही उपयोग कर पाती है। प्रखंड स्तर पर इस संबंध में सुविधा हेतु कई बार आवेदन दिए गए, लेकिन इनका प्रयास अब तक रंग नहीं ला सका है। डूमर ब्रिज नीचे अवस्थित जीर्ण कुएं से ग्रामीण अपने पानी की जरूरतें पूरी करने को लाचार है। परिणाम स्वरूप जल जनित बीमारियां टोले वासियों को बीमार ग्रस्त करते हैं। तब से भुइयां सुदेश भुइयां सहित कई ग्रामीणों ने आज पानी की करुण व्यथा अब्दों में बयान की। ग्रामीणों को अब राज्य की नई सरकार और नए जिलाधिकारी से पूरी आशा है कि उन्हें वर्षों से व्याप्त जल समस्या से जरूर निजात मिलेगी। केंद्र से सुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। ये कुआं के पानी से तो आदमी बीमार हो जाएगा, तो आप लोग किस तरह से पानी पीते हैं? का करे तो जहां मन बुझाए तहां से दूरी से पीते हैं नहीं यार। कुआं ना तो रोग बाजार जानते है कि है ये है, तो 1 किलोमीटर लागत चाहे कितना लागत तो पीते नहीं है। आप लोग यही कुआं से पानी पीते हैं? हाँ, यही कुआं से पानी पीते हैं। आप लोग के घर कितना दूर है ये कुआं से? 1 किलोमीटर दूरी है। ये कुआं का पानी तो बहुत गंदा हो जाता होगा, क्योंकि ऊपर बरगद का पेड़ है, ठीक है, और इसमें ज्यादा गंदा पानी हो जाता है। तो आप लोग कहाँ से पानी लाते हैं? रबदी स्कूल से पीते हैं। रबदी स्कूल आप लोग का घर से कितना कई किलोमीटर दूर है? 1 किलोमीटर। आप लोग का बस्ती में कितने लोग ये कुआं से पानी पीते हैं? बहुत लोग हैं, तो बहुत लोग पीते हैं पानी।